आज है संडे और मैंने लंच में छोला और भटूरा बनाया। तो पहले हम भटूरे का डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो आटा लिया है, उसमें एक कटोरी सूजी ऐड किया है और आधी कटोरी दही और थोड़ा सा नमक मिला के इसे मैंने गूंद के एक घंटे के लिए छोड़ दिया है। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है। 4 से 5 चम्मच ऑयल को ऐड करते हुए 1 चम्मच जीरा, चक्री, दालचीनी, लौंग, हरा मिर्चा और प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट को ऐड करते हुए इसको ब्राउन होने तक मैंने भून लिया है। जब प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 चम्मच मैंने हल्दी ऐड किया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया और थोड़ा सा पानी डाल के इसे 1 मिनट के लगभग ऐसे ही भून लेना है। जैसे ही थोड़ा सा पानी इसका सूख जाए, यहाँ पे देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाला था तो उसे भी मैंने इसी समय ऐड कर दिया है और टमाटर का पेस्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था उसे भी ऐड कर दिया है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, पानी को डालते हुए इसमें मैंने गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार ऐड करके इसको थोड़ा सा खौला लिया है। जैसे ही 5 से 6 मिनट ये उबाल आ जाए, मतलब ग्रेवी थोड़ी पक जाए, तो इसमें हमने उबला हुआ छोला ऐड कर दिया है और उसे पकने के लिए छोड़ देंगे एक साइड में। इधर हम भटूरे की तैयारी कर लेंगे। देखिए जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से भटूरा हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए लगभग छोला तैयार हो गया है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे प्याज और धनिया को चॉप करके ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैंने दही भी ऐड किया है। इन तीनों चीज़ को लास्ट में आप ऐड करेंगे ना तो छोला बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो एक बार मेरे तरीके से छोला बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए तेल भी गर्म हो गया है, अब मीडियम फ्लेम पर ही इसे ऐड तलना है, नहीं तो इस तरीके से देखिए लाल हो जाएगा। दूसरा वाला जो भटूरा है मेरा, वो मीडियम फ्लेम पर मैंने तला है तो उसका कलर एकदम अच्छा आया है। तो भटूरा को तलते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा भटूरा बनकर तैयार होगा। तो गाइस आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये लीजिए छोला और भटूरा बनकर तैयार हो गया है, सर्व करिए, खाइए और खिलाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।